और ये रह गई पीछे। क्या लगता है भाई 114 13 14 लिमिटर आ रहा है। तो हेलो वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी, होप आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई सामने मेरे आप देख सकते हो पल्सर की बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर 125 और पल्सर NS 125। तो भाई दोनों ही बजाज की तरफ से आने वाले, प्राइस सिमिलर सही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और इंजन की बात करूँ तो आपको मिलता दोनों में 124 cc का इंजन, तो भाई इंजन का भी सिमिलर ही है। बट पावर की मैं बात करूँ तो 11.8 bhp की पावर इसमें, 11.8 की इसमें, लेकिन टॉक में फ़र्क आपको मिल जाता है। पल्सर 125 में 10.8 newton meter ऑफ टॉक मिलता है, इसमें आपको 11 newton meter ऑफ टॉक मिलता है। टॉक में फ़र्क है 2.2 newton meter ऑफ टॉक, तो फ़र्क ज़्यादा नहीं है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, एक करते हैं मौज सी बढ़िया सी ड्रैग रेस दोनों के बीच में, पता चल जाएगा किस में पावर ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सो भाई मैं चलाने वाला हूँ NS। NS का मीटर थोड़ा सा गंदा हो रहा है, वो कर देते हैं साफ। चल हॉर्न दो तुम। भाई मुझे लगता है NS की थोड़ी तबीयत सी खराब है NS का। भाई पांचों गियर लग गए भाई NS में, और पल्सर गई आगे। और ये रह गई पीछे। क्या लगता है भाई, मुझे तो नहीं लगता थोड़ा सा भी ये टक्कर देने वाली है। 107 108, ओ भाई साहब, ओ भाई 105, वो बहुत आगे गई यार, बहुत आगे गई भाई। क्या लगता है भाई, मुझे तो लगता नहीं है ये करने वाली है। 111, और वो बहुत दूर गई। अरे यार बहुत गैप है उसमें और इसमें, बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा ही गैप है। करीबन 100 से 200 meter का गैप है भाई, थोड़ा सा गैप हो तो वो समझा भी जाए, ये गैप कुछ ज़्यादा ही है, गैप ज़्यादा है। गैप थोड़ा ज़्यादा था, नहीं लग रहा था, हाँ तो वही वही चेंज करते हैं राइडर। मैं अभी चला रहा हूँ पल्सर 125 और भाई चला रहे हैं NS 125, जिससे कि थोड़ा और पता चल जाएगा। ध्यान से ठीक है, चल उसमें यार शिफ्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी है, तो मुझे भी यही लगा था शिफ्टिंग में, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं। तो भाई वो शिफ्टिंग की वजह से भी हो सकता है, लेकिन उसमें कमी लग रही है यार उसमें पावर मुझे। लो भाई देख लो, 110 111, वो तो इतनी गई भी नहीं थी, 113 111 गई थी वो लास्ट। चौदह 13 14 लिमिटर आ रहा है, लिमिटर आ रहा है 13 14 पे 15। NS काफ़ी पीछे रहेगी भाई, काफ़ी पीछे भाई साहब, मतलब जी बहुत पीछे है भाई NS, बहुत पीछे।
117 एनएस पीछे है काफी भाई, बहुत पीछे है। लो भाई क्या ही रेस लगाए भाई, ये पावर है, एनएस से ज्यादा पावर है इसमें, एनएस से ज्यादा। ओ भाई साहब, एनएस से ज्यादा पावर है पक्का, 100%। एनएस से ज्यादा पावर है इसमें। सो भाई देखा आपने कैसे ही भाई, दोनों राउंड में पल्सर 125 जीत गई, मेरे वेट से भी, उदित के वेट से भी। तो एनएस में थोड़ी पावर कम है, मान लो कम भी नहीं है तो भाई इसमें अभी थोड़ी सी शिफ्टिंग की प्रॉब्लम मुझे दिखी, फेस हुई, तो ये हो सकता है। बाकी दोनों बाइक ही अच्छी हैं, तो होप करते वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, इंस्टाग्राम एंडेड एक्सप्लोरर फॉलो नहीं फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं नेक्स्ट।